हेलो फ्रेंड, नमस्ते। मैं हूं चंदन कुमार और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल बिहार डेलीगेशन। दोस्तों, गवर्नमेंट जॉब का अभी दौर चल रहा है और रेलवे ग्रुप डी के, रेलवे एनटीपीसी के साथ ही एसएससी के भी कई सारे एग्जाम अभी होने हैं और हो चुके हैं। तो उस एग्जामों में लगभग आपने देखा होगा वर्क एंड टाइम यानी कि कार्य और समय जो चैप्टर है उससे क्वेश्चंस आता है और बच्चे थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाते हैं। तो इन क्वेश्चन ये जो चैप्टर है बहुत ही आसान है तो और इसमें क्वेश्चंस के करने के दो तीन तरीके हैं। उन दो तीन तरीके यानी कि दो तीन टाइप से इस चैप्टर का पूरा सिलेबस कंप्लीट हो जाता है। यानी कि मैं आपको दो तीन क्वेश्चन के तरीके बताऊंगा, उससे आप पूरा चैप्टर ही कर पाओगे। तो जो लोग चैनल पर पहले बार आए हैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लोग हमारा चैनल सब्सक्राइब कर दें और बेल का बटन भी दबा लें। तो चलिए मैं आपको एक क्वेश्चन जो है करके दिखाता हूँ। देखिए, ये सवाल आप पढ़ पा रहे होंगे। यदि मोहन तथा सुनील अकेला किसी कार्य को क्रमशः 16 दिन और 24 दिन में समाप्त कर लेता है तो दोनों मिलकर उस कार्य को कितने दिन में समाप्त कर लेंगे। इसी प्रकार से क्वेश्चन आता है यदि ए या बी, कई सारे क्वेश्चन आते हैं। या फिर सवाल ये आता है कि यदि एक नल है वो एक टंकी को भरने में 16 घंटे लगाते हैं, दूसरा नल बी नल है वो 24 घंटे लगाते हैं तो कितना समय लगेगा पूरी टंकी को भरने में। तो देखिए, ऐसे सवालों को करने का तरीका होता है सिंपल सा। जैसे इसमें जितने जनों का जिक्र किया गया है, एक तो मोहन किया गया, दूसरा क्या है सुनील, यानी कि इसमें दो जनों का जिक्र है। तो यहाँ पे काम करने की जो क्षमता दी गई है वो दी गई है दो जनों की। तो आप ये पहले ध्यान रखिएगा। तो इसके लिए सिंपल सा करना होता है, यहाँ पे कितने दो जने थे तो आप सिंपल सा ऐसे करके दो लाइन बनाइए, ठीक है। अब देखिए, यहाँ पे एक पर्सन क्या था मोहन और दूसरा कौन थे सुनील। तो आप मोहन के लिए शॉर्टकट आप एम लिख लीजिए और सुनील के लिए एस लिख लीजिए। अब दोनों के कार्य करने कितने दिन में कार्य करता है, ये जो एम था वो कितने दिन में कर पा रहा था मोहन, 16 दिनों में। वही सुनील कितना समय लगा रहा था, सुनील लगा रहा था 24 दिन, ठीक है। अब यहाँ पे कुछ नहीं करना है, सिंपल सा आप इन दोनों से डिवाइड होने वाले, यानी कि कोई ऐसा डिजिट लेना है जो कि ये 16 और 24 दोनों संख्या मिलके उसे डिवाइड कर ले, या फिर आप चाहे तो इन दोनों डिजिट का नंबर भी ले सकते हैं। तो सिंपल सा आप दोनों डिजिट के बीच में कॉमन नंबर आप 48 मान लीजिए, ले लीजिए। तो अब ये टोटल वर्क हो गया 48, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, 48 को 16 से डिवाइड करते हैं। 48 को 16 से डिवाइड करते हैं तो कितना आता है 3, और 48 को सुनील वाले हिस्से से डिवाइड करते हैं तो कितना आता है 2। 24 से डिवाइड करते हैं 48 को तो 2 आते हैं। ये देखिए, ये क्या आया, ये एक दिन की कार्य करने की क्षमता आई है मोहन की और एक दिन की कार्य करने की क्षमता आई है सुनील की। यानी कि मोहन जो है एक दिन में 3 काम करता है तो वहीं सुनील जो है एक दिन में 2 काम करता है। तो अब आप कॉमन सी चीज समझिए, अगर दोनों कंटिन्यू मिलके काम करते हैं तो दोनों एक दिन में कितना काम कर पा रहे होंगे, 3 जमा 2, यानी कि दोनों मिलके एक दिन में 5 काम कर लेंगे। कोई डाउट यहां तक, अगर किसी को कोई संदेह हो डाउट हो तो वीडियो को आप दोबारा से रिपीट करके देख लीजिएगा। तो यहाँ पे जो हमें आया है 5, ये आया है एक दिनों के कार्य करने की क्षमता। तो टोटल काम कितना था 48। तो हमें सिंपल सा कुछ नहीं करना है, 5 से 48 को डिवाइड कर देना है, ठीक है। 5 को 48 से डिवाइड करते हैं तो 9 टाइम में जाएगा, 9 टाइम में कितना जाएगा 9 बजे 45, यहाँ पे बच कितना जाता है 3। तो अब 3 बच गया। अब इसको लिखेंगे कैसे, लिखने का तरीका होता है जो रिमाइंडर होता है ये टॉप में ऊपर लिखा जाता है, ठीक है। और आपका टोटल 9 डेज तो है ही फुल, उसके डिवाइड में जो हमने 5 से किया था, तो इसका सही आंसर हो जाएगा 9/3/5। तो इस तरह से इन क्वेश्चंस को आप कर पाएंगे। अगर यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 2 जने थे, अगर यहाँ पे 3 जने होते तो हम 3 लाइन ले लेते। चलिए मैं आपको 3 जनों
वाला भी ये क्वेश्चन करके दिखा देता, अगर तीन जने होते तीन लाइन ले जाते, तो मैं आपको तीन जने का भला एक क्वेश्चन करके दिखा देता हूँ। फिर मैं इस वीडियो में या फिर अगले वीडियो में कोई काम छोड़ के भाग जाता है ये वो सारे दिखा दूँ, सारे इसी टाइप में बनेंगे। तो चलिए मैं आपको एक क्वेश्चन ले लेता हूँ जो कि तीन जने, तो हमने क्वेश्चन ले लिया जिसमें कि काम करने वाले टोटल तीन जने हैं, ए बी और सी। ठीक है, तो आप क्वेश्चन देखिए एक बार पढ़ लीजिए। यदि ए बी सी किसी कार्य को क्रमशः 10 दिन, 15 दिन और 12 दिन में समाप्त करते हैं, तो तीनों मिलकर उसी कार्य को कितने दिन में समाप्त कर लेंगे। ठीक है, तो इसके लिए आपको सिंपल सा क्या करना है, तरीका वही रहेगा, हमें तीन लाइन पाना है। ठीक है, एक ए का, एक बी का और एक सी का। ठीक है, इसके नीचे ठीक तीनों के कार्य करने की क्षमता लिखेंगे, 10, 15 और 12। ठीक है, या तो इन तीनों का एलसीएम या फिर इन तीनों से डिवाइड हो जाए, ऐसा कोई एक कॉमन नंबर यहाँ पे टॉप पे हम ले लेंगे। तो हम यहाँ पे टॉप पे 60 ले लेते हैं, क्योंकि 60 को ये तीनों 10 भी 15 भी और 12 भी ध्यान से पढ़िएगा, ये जो है 10 है डिवाइड कर देगा। अब यहाँ पे बीच में एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं और 10 को 60 से डिवाइड करते हैं तो कितना आता है, 6। 15 को 60 से डिवाइड करते हैं तो कितना आता है, 4। और 12 से 60 को डिवाइड करते हैं तो आता है आपका 5। ठीक है, ये ए बी सी तीनों के कार्य करने की क्षमता आई है, ये आई है ए की, ये आई है बी की और ये आई सी की, एक दिन में कार्य करने की क्षमता आई है। तो तीनों अगर मिलके काम करते हैं तो एक दिन में तीनों मिलके काम करते होंगे तो कितना होता होगा, 6 + 4 + 5, तो ये टोटल कितने हो जाते हैं, टोटल हो जाते हैं 15। यानी कि तीनों मिलके एक दिन में कितने काम करते हैं, 15। तो पूरा कार्य कितना था, पूरा कार्य था 60। ठीक है, तो हमें सिंपल सा कुछ नहीं करना है, 15 जो यहाँ पे आया था तीनों का एक दिन में कार्य करने की क्षमता, उसको 15 को 60 से डिवाइड कर देंगे, कितना टाइम में जाएगा आपको पता ही है, 15 चौका 60। टोटल नीचे रिमाइंडर कुछ बचा नहीं, तो यानी कि ये जो 4 आया था ये 4 डेज जो है आंसर हो जाएगा, यानी कि तीनों मिलकर 4 डेज में काम खत्म कर लेंगे। तो इसी तरह से इस क्वेश्चन में आगे और भी कैसे ट्रिक यूज करना है मैं अगली वीडियो में लेके आऊंगा। अगर आप लोग इस वीडियो को प्यार देते हैं तो आप इस वीडियो को शेयर कीजिएगा ताकि और भी लोग ये बनाने का तरीका जान जाए। तो आज के लिए इतना है, बिहार डेलीगेशन से चंदन कुमार।